संभल में मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत बनाए जा रहे सरकारी शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। संभल में पंचायत स्तर पर फैल रहे भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की है। गुन्नौर से भाजपा विधायक अजीत कुमार राजू ने बताया कि 5 ग्राम पंचायतों में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसमें प्रधान और सचिव द्वारा पुराने शौचालय का ही निर्माण कर उसमें से पैसे निकाल लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत जितना भी कार्य लेबर से होता था उनको 500-500 रुपए देकर भेज दिया जाता है, बाकी पैसे प्रधान और सचिव आपस में बांट लेते हैं। इस बारे में कई बार शिकायतें शासन और प्रशासन को दी जा चुकी हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही थी। अब गुन्नौर से भाजपा विधायक अजीत कुमार राजू ने आधा दर्जन ग्राम पंचायतों की शिकायतों की तो शासन ने शिकायत पर तुरंत संज्ञान लिया। अब इसकी जांच DPRO को सौंप दी गई है। देखिए संभल से संवाददाता सदाम हुसैन की रिपोर्ट। शासन को एक शिकायत भेजी गई भ्रष्टाचार के संबंध में, पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या पूरा मामला, किन किन पंचायतों की शिकायत की गई है? वैसे तो देखिए अधिकतर ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार है और वहाँ के ग्रामवासियों द्वारा, हमारे द्वारा भी अधिकारियों को जिले स्तर पर समय समय पर अवगत करा रहे हैं, पत्रों के माध्यम से भी शिकायत भेजी जा रही है, लेकिन अभी तक उसमें कुछ परिणाम नहीं निकल के आ रहा है किसी में। उस संबंध में फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया। ये 5 ग्राम पंचायत हैं, धनीपुर, रामनगर, हैदराबाद, चिरवारी, बिजुआ नगला। इसमें जो प्रधान और सचिव लोग हैं, कुछ पुराने शौचालय बनाकर ही उसमें पैसा निकाल लिया गया। फिर माननीय विधायक जी ने वहाँ पर क्षेत्रीय भ्रमण किया, क्षेत्रीय भ्रमण पर पता लगा कि सिद्ध भी हुआ कि पुरानी लेटरिंगों पर पैसा निकाल लिया गया है। उसके संबंध में फिर FIR भी हुई उन लोगों पर, FIR भी हुई 2 ग्राम पंचायतों की। दूसरी ग्राम पंचायत धनीपुर है, उसमें FIR का आदेश भी हुआ जिला स्तर से, लेकिन उसकी FIR थाने में दर्ज नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही उसका निपटारा कर दिया। पुलिस वालों ने भी उसका फाइनल रिपोर्ट लगा दी और उन्हीं लोगों को फिर से बहाल करके, और वो फिर लूट मचा रहे हैं उन्हीं ग्रामों में। किस तरीके की लूट ये मचा रहे हैं, किस तरीके का भ्रष्टाचार फैल रहा है? लूट क्या है कि मनरेगा में जितना भी कार्य होता है लेबर से, उनको 500-500 रुपये दे करके और उनको भेज दिया जाता है, बाकी पैसा प्रधान और सचिव अपना बंटवारा कर लेते हैं उसमें। और शौचालय के नाम पर तो तुम आप भी देख सकते हो जाकर के किस तरह से हो रहा है, और ग्राम निधि में भी दुरुपयोग हो रहा है पूरी तरह से। अभी जैसे ये अभी फतेहपुर ग्राम पंचायत है, उसकी शिकायत की गई DM साहब को की गई, वहाँ से उन्होंने कमेटी बना दी, एक लघु सिंचाई के एक्सीएन है शायद, तो वो शिकायतकर्ता उस दिन फिर आ गए यहाँ पर आवास पर कि जो जांच करता थे वो प्रधान से मिलकर ही बैठ करके वहाँ से चले गए, न शिकायतकर्ता के पास गए, न गांव में कोई भ्रमण किया। उसके बाद भी DM साहब को बाद में एक पत्र दिया है शिकायतकर्ता ने, मैं ही दे के आया था। अब देखिए पता है क्या कार्रवाई होगी, लेकिन अभी 7-8 महीने से शिकायतें दे रखी हैं, उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं लेके आ पा रहा है। जब तक शायद इलेक्शन आ जाएगा वो लोग बच जाएंगे आराम से, पता नहीं, ऐसा लग रहा है उनको बचाने के लिए काम किया जा रहा है। इसे JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।